जिला चंबा की भरमौर पंचायत समिति पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा रखा है। वीरवार को पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया करवाई गई, जिसमें भाजपा समर्थित परसराम अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जो होली कुठेर से पंचायत समिति सदस्य हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित कमलेश कुमार निर्वाचित हुए हैं। यह चुनावी प्रक्रिया एसडीएम भरमौर मनीष सोनी की देखरेख में सम्पन्न हुई। बताते चले कि पंचायत समिति भरमौर के कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 8 सदस्यों ने पहले ही शपथ ली थी, जबकि 7 सदस्यों ने गुरुवार को चुनावी प्रक्रिया से पहले पद व गोपनीयता की शपथ ली। हिमाचल तेज खबर के लिए भरमौर से ब्यूरो रिपोर्ट। आई ब्लॉक समिति भरमौर का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जितने हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य जीत के आए थे, उन्होंने परसराम जी को अध्यक्ष व कमलेश जी को उपाध्यक्ष चुना है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। इससे पहले महिला ब्लॉक में भी, जो हमारे भरमौर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, यहाँ भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं। मैं एक बार भरमौर की जितनी जनता है जिन्होंने हमें ये मैंडेट दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और प्रदेश में जो हमारी सरकार आदरणीय जाहिर ठाकुर जी की सरकार है, भरमौर के लोगों ने, पांगी के लोगों ने श्री जयराम ठाकुर पर आस्था जताई है। और आज जो हमारे उपाध्यक्ष अध्यक्ष बने हैं, चाहे पांगी में हमारा पहली बार जिला परिषद का उपाध्यक्ष बना है, महिला ब्लॉक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं, इस सबका जो श्रेय है मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देता हूं, क्योंकि उन्होंने भरमौर और पांगी के विकास के लिए जो जो समस्या मैं लेकर गया, उन्होंने वो समस्याएं पूरी की, मेरी बात को सुना है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और जितने भी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे भरमौर का मंडल है, भरमौर के कार्यकर्ता हैं, हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, हमारे प्रधान और प्रधान वार्ड मेंबर हैं, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम ऊंचा किया है। जय भारत, जय हिमाचल।